पूर्व कृषि मंत्री और कसरौत विधायक सचिन यादव के निर्देशन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कसरौत विधायक क्षेत्र के किसानों की अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसलों के सर्वे कराने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को घोर किसान विरोधी सरकार बताया है। साथ ही बर्बाद हुई फसलों का 100% मुआवजा देने की मांग की है तथा मंडी शुल्क और किसानों की उपज उचित मूल्य पर खरीदने और पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि वापस लिए जाने की भी मांग की है। कसरावास से अखिल खान की रिपोर्ट। भैया, कांग्रेस लगातार आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है, संपूर्ण एरिया में आंदोलन हो रहे हैं। आज क्या मंशा थी और क्या ज्ञापन था? आज हमारे जो किसान साथी अतिवृष्टि से परेशान है, पूरे प्रदेश की मंडियां बंद है, किसान का माल बिक नहीं रहा है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, इसी को लेकर माननीय विधायक महोदय के निर्देश अनुसार आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने किसानों के लिए मांग की है और हमारी ये मांग की है कि अतिशीघ्र किसानों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही जो मंडियां बंद है उन मंडियों को व्यापारियों का जो टैक्स बढ़ाकर मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स बढ़ाया उसको टैक्स को कम किया जाए और किसानों को राहत दी जाए, मंडियां खोली जाए, इसको लेकर हमने आज ज्ञापन प्रेषित किया है। और हमें महामहिम राज्यपाल महोदय से उम्मीद है कि कांग्रेस द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया है उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। निश्चित रूप से जो विधायक है वो कृषि मंत्री भी रहे और सड़क से लेकर विधानसभा तक उन्होंने लहसुन की बोरियां लेकर भी आंदोलन किया है। क्या लगता है, सरकार के कानों पर जू रेग रही है या कोई बड़ा आंदोलन का रास्ता देखा जा रहा है? यही बुनियादी सोच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने किसानों को, जब अतिवृष्टि हुई, उनकी फसलें खराब हुई, तो किसानों को मुआवजा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी आज़ादी से लगाकर आज तक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ती आई है और जब कभी उन पर आपदा आएगी कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के और मजदूरों के साथ खड़ी है। हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर तैयार है। हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में हम हमेशा आम जनता की समस्याओं के लिए लड़ते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।